हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है अगेन जीके एंड जीएस की ट्रिक पे बेस्ड है। और ये हम लोगों का पार्ट कौन सा है? 26। इसका मतलब ये हुआ 25 पार्ट का हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जितना हम लोगों ने किया है। आज जो है हम लोग का है पार्ट 26 या 27 है, देखूंगा थंबनेल में लिख दूंगा जो भी होगा। बहरहाल जो मेन पॉइंट है वो हम लोग को क्या सीखना है, आज की जो हमारी ट्रिक है वो है भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह। बंदरगाह समझते होंगे, जहाँ से व्यापार वगैरह किया जाता है, जहाजें वगैरह एक दूसरे से दूसरे देश में जाती हैं। तो भारत के पूर्वीय तटीय, पूर्वीय मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट साइड में जो बंदरगाह हैं तमिलनाडु वगैरह में, ईस्ट मतलब क्या, जैसे ऊपर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट मतलब ये जो रीजन होता है इंडिया का, उसके ईस्ट के साइड में जो आपके क्या है बंदरगाह, उसका हम लोग क्या देखेंगे, आज नाम देखेंगे। पूछा जाता है कि बताओ कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह है, इनमें से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह है, तो अगर आपको नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए 4-5-6 जो भी हैं मुझसे जल्दी से याद कर लेते हैं। ट्रिक है हमारा आपका HCTV, सिंपल से है आपका, जैसे होता नहीं है आपका HDTV, तो आज से HD ना जानी है, आज से क्या जानी है, HCTV, आपका HCTV, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपका HCTV, तो ए से क्या हो गया एन्नौर, क्या है बहुत ध्यान से समझिए, अगर लिख भी दिया हूं एन्नौर, पी से पारादीप, के से पूरा के ए से का बनेगा कोलकाता, क्या होगा कोलकाता, तो के ए से कोलकाता। देखो ये दिमाग में रखना है, खेलिक जो बीच में है का, उसका केवल एक वर्ड है, बाकी सबका हर एक अक्षर का मतलब है। तो ए पी एन्नौर, पी से पारादीप, का से कोलकाता, एच से हल्दिया, हल्दिया है हल्दिया, हिंदी में हल्दिया पढ़ते, इंग्लिश में हल्दिया, सी से चेन्नई हो गया, और टी से क्या हो गया टोटीकोरिन, क्या बोलेंगे तोतीकोरिन हिंदी में, और यहाँ पे टोटीकोरिन है ना, तो टोटीकोरिन हो गया, और वी से विशाखापट्टनम। ये सब किस में आते हैं, पूर्वी तटीय बंदरगाह में आते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, केवल एक लाइन याद करना, आपका HCTV, क्लियर, ओके। अब ध्यान दीजिए, आविष्कार और आविष्कारक, मैं एक वीडियो बना चुका था आविष्कार और आविष्कारक पे, कुछ इंपॉर्टेंट थे ही और ट्रिक के साथ बताया था, आज हम लोग के पास ये भी कुछ आविष्कार और आविष्कारक, इसमें से कुछ मेरे पास ट्रिक है और कुछ ऐसे ही याद हो गया, तो आप बताइएगा अगर आपको ट्रिक की जरूरत है, अदरवाइज जो मेरे दिमाग में वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको लगे कि नहीं सर ट्रिक से याद करा दी तो मैं बता दूंगा। देखो भाई, हाइड्रोजन की डिस्कवर किसने किया था, कैवेंडिश ने, किसने किया था कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन कैवेंडिश, ठीक है। अच्छा अब देखिए, प्रेशर कुकर का किसने किया था, डेनिस पेपिन, कैसे याद करेंगे भाई प्रेशर पेपिन, ऐसे दो तीन बार बोलिए, रिदम है ना, प्रेशर पेपिन, तो प्रेशर कुकर का किसने किया था, डेनिस पेपिन, ठीक है, खाली इनका टाइटल याद करिए डेनिस पेपिन, तो पेपिन से प्रेशर कुकर, ओके। अच्छा अब ध्यान दीजिए, नाभिक की होता है ना, नाभिक होता है केमिस्ट्री में, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर रहते हैं, तो नाभिक की खोज किसने की, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड ने। हवाई जहाज, ये काफी अच्छा है, हवाई जहाज का डिस्कवर किसने किया था, राइट ब्रदर्स, ठीक है। अच्छा तो ध्यान से देखिए, हवाई जहाज को कैसे याद करेंगे, तो ध्यान देखिए ब्रदर्स अगर जो नाम आता है, तो ब्रदर्स ऐसे रिलेट करिए कि जैसे ब्रदर्स क्या होगा, कंपनी होगी दो तीन लोगों की, ठीक है ना, मतलब क्या नाम देते हैं ना, जैसे वडाली ब्रदर्स ये गाने वगैरह गाते हैं, तो ऐसा समझिए कि ब्रदर्स उनको लगाया जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और जिनके पास पैसा होता है उन्हीं के पास क्या होता है, हवाई जहाज खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ब्रदर्स से किसको याद कर लीजिए, हवाई जहाज। हाइड्रोजन कैवेंडिश आप नॉर्मली पता ही होगा, प्रेशर कुकर प्रेशर पेपिन, और नाभिक रदरफोर्ड भी ज्यादा लोग को पता ही होगा, हवाई जहाज ब्रदर्स मतलब राइट ब्रदर्स, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 7 इंपॉर्टेंट वोकैब, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से, या फिर बात करिए सिंपल नॉलेज के पर्पस से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए,
देखिए जैसे किसे कहते हैं, किसी पर भरोसा करना, ठीक है ना। तो एक वर्ड होता है, आप तो कह सकते हैं सर ट्रस्ट होता है एक वर्ड भरोसा करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा रहता है कौन, काउंट ऑन समबडी या काउंट ऑन या अपॉन, डिपेंड करेगा किस तरह यूज हो रहा है काउंट। तो अगर कहीं लिखा है काउंट ऑन समबडी तो इसका मतलब क्या होता है, किसी पर भरोसा करना, ठीक है ना। जैसे ही इज काउंटिंग ऑन मी, वह मुझ पर भरोसा कर रहा है, ठीक है ना, ही इज ट्रस्टिंग ऑन मी। ओके, फिर एक वर्ड आता है नेक्स्ट, कंघी करना। नॉर्मली नहीं पता होगा, किसी से पूछोगे वह क्या कर रहा है, सपोज करिए वह कंघी कर रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज डूइंग द हेयर, क्या बोलेंगे, ही इज डूइंग द हेयर, डू द हेयर, डू द हेयर, ONG लग जाएगा कंघी करने का, डू द हेयर। क्लियर हुआ ना, काफी देखिए आपको अच्छा भी लग रहा होगा, ये नॉर्मली नहीं पता होता है, तो कंघी करने का डू द हेयर। अगला है कुछ करने का सपना होना, सबका सपना होगा तो उसका इंग्लिश भी सीख लेते हैं, ड्रीम ऑफ समथिंग, ठीक है ना, किसी के बारे में सोचना, ड्रीम अबाउट समबडी, या फिर है किसी का, सॉरी किस कुछ करने का सपना होना, तो क्या करेंगे, ड्रीम ऑफ समथिंग, आई हैव ड्रीम ऑफ समथिंग, मुझे कुछ करने का सपना है, ठीक है। अगला है चहल पहल, चहल पहल होता है ना कि मतलब बहुत खुशी रहती है शादी विवाह के माहौल में, तो चहल पहल के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, वो होता है हसल एंड बसल, क्या बोलेंगे, हसल एंड बसल, HUSTLE, हसल एंड BUSTLE, बसल, हसल एंड बसल का मतलब होता है चहल पहल। ओके अच्छा, एक होता है स्वदेशी माल, स्वदेशी माल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो अपने खुद के कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है, उन्हें बोलते हैं स्वदेशी माल। अच्छा, तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है इंडिजिनस गुड्स, क्या बोलेंगे, इंडिजिनस गुड्स, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, गुड्स मतलब माल होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट, तो INDIGENOUS, इंडिजिनस गुड्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एक वर्ड है कठपुतली नाच, हो सकता है कुछ लोग को पता हो कुछ लोग को नहीं भी पता, कठपुतली वगैरह होता है कि मतलब एक छोटा सा वायर रहता है उसको इस तरह से सेटिंग किया जाता है, उसमें गुड़िया वगैरह लगा देते हैं और जब वायर को ऐसे ऐसे दबाते हैं तो वो क्या करती है, डांस करती है गुड़िया, तो उसी को क्या बोलते हैं, कठपुतली नाच। तो जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पपेट शो, क्या बोलते हैं, पपेट शो, पहले के जमाने में बहुत होता था, PUPPET, पपेट, SHOW, तो पपेट शो का मतलब क्या होता है, कठपुतली नाच। क्लियर, ओके और एक होता है नया, एक नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कपड़ों को मचोड़, सॉरी हाँ कपड़ों को मचोड़ देना, कहने का मतलब होता नहीं कि खूब अच्छे से मचोड़ दो तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, तो मचोड़ने को क्या बोलते हैं, कपड़े को, क्रम्पल द क्लॉथ, वह कपड़े को मचोड़ रहा है, ही इज क्लम्पिंग, सॉरी क्रम्पलिंग द क्लॉथ। क्लियर हुआ, ही इज क्रम्पलिंग द क्लॉथ, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट हुकैप और ये थे आज की हमारी ट्रिक, आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हुकैप यहाँ पे डाले गए थे और ट्रिक तो अपनी रहती है जो कि इम्पॉर्टेंट रहती, भाई इम्पॉर्टेंट का ही तो ट्रिक बनेगा, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, वो भी GK GS में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को क्या किया जाता है, ट्रिक के माध्यम से समझाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सारी ट्रिक्स हैं या मैं ये नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्पेशल कोई ट्रिक बनाता हूँ, लेकिन हाँ भाई मैं भी सर्च करता हूँ इधर उधर से, तो हाँ आपको मेरे चैनल पे क्या होगा सारी, आप मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन कहीं भी आप सर्च करेंगे तो कोई एक आध दो ट्रिक पा जाएंगे, लेकिन अपनी जो चैनल है उस पे GK GS ट्रिक्स नाम से पूरा फोल्डर ही बना पड़ा है, कहने का मतलब प्लेलिस्ट ही है, तो वहाँ पे क्या आपको मिलेगा, पूरा 25, 26, 27 ट्रिक इकट्ठे मिल जाएगी, कोई भी एग्जाम देने जाइए एक बार सारी ट्रिक को देख के चले जाइए, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। ये उनके लिए है कि जो बिगनर्स हैं बहुत तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको चाहिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं भी पेपर ऊपर वगैरह देता हूं, तो एक बार देख के जाता हूं, तो अच्छे खासे 10-15 नंबर तो फंस ही जाता है जितना मेरे पास है टोटल, 25-26 ऐसे चलता रहेगा, बहुत सारे हैं सब आपको हम बताते चलेंगे, आपका काम बस इतना है, आज बताया कॉपी में नोट, इसको रिवाइज, और पीछे जो बताया था उसको नोट किया था, तो जब इसको नोट करिए तो उसको पहले रिवाइज कर लीजिए, बस इतना काम करते जाइए, देखिएगा आपका अच्छा खासा मार्क्स स्कोर हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग का कोई टॉपिक उठाएंगे, रीजनिंग बहुत दिन से नहीं चल रहा है,
तो रीजनिंग, या फिर अगर आप लोग कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसको बताइएगा। सब्जेक्ट तो मैथ या रीजनिंग में से कुछ एक ही बताइएगा, लेकिन टॉपिक क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम तो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं क्या करूँगा उस टॉपिक को पहले उठा लूँगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, एंड लव यू ऑल, बाय।